नमस्कार साथियों, मैं हूँ रोशन शर्मा और आप देख रहे हैं संजीवनी फार्मा लीडर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाईपास फैट होता क्या है और बाईपास फैट खिलाने के फ़ायदे क्या क्या हैं। साथ ही साथ आज हम ये भी समझेंगे क्या बाईपास फैट खिलाने से हमारे पशुओं में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसे खिलाने के फ़ायदे को भी समझेंगे और नुकसान को भी समझेंगे। सब कुछ समझने के लिए हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इसी प्रकार मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट करने के लिए आप सब हमें बहुत सारा प्यार, दुलार और आशीर्वाद देते रहते हैं, जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सबों के लिए। आमतौर पर देखा गया है कि प्रारंभिक बच्चा देने के बाद उच्च दूध उत्पादन देने वाले डेयरी पशुओं के राशन में ऊर्जा की बहुत ज़्यादा कमी दिखाई देती है। ये एक्चुअली होता क्यों है? क्योंकि जिस समय बच्चा देती है, बच्चा देने के कुछ समय तक हम लोग उसको अच्छे क्वालिटी का फीड नहीं दे पाते हैं। क्योंकि ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वो अचानक से उसका रूमेन पूरा खाली होता है, 50-60 kg का बच्चा और साथ में ही और 30-40 kg का और भी पार्ट जो बच्चा को सेव करके रखते हैं, वो सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं। तो एक बार में उसका 80-100 kg का वजन उसका उसके रूमेन से खाली हो जाता है। तो इस कारण उस समय चीज़ें पचने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती। उस समय होता क्या है कि फीड खाने की मात्रा में बिल्कुल कमी हो जाती है, क्योंकि हम लोग देते भी नहीं हैं स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक। और उस समय डे बाय डे हमारा मिल्क का ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता जाता है, तो दूध बढ़ा और फीड इंटेक डाउन हुआ। तो जब भी इस पोजीशन में रहेगा गाय, दूध ज़्यादा करना, खाना उसका कम खाना, तो वैसे में उसके हेल्थ पे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी चीज़ से बचने के लिए बाईपास फैट बहुत ज़्यादा मदद करता है, मोटे मोटे शब्दों में बताया जाए तो। और उसी दौरान फीड कम खाने के कारण पशुओं का डेली साथ, क्योंकि साथ में मिल्क इम्प्रूव हो रहा है और फीड कम खा रही है, तो डेली बाई डेली उसका बॉडी वेट लॉस होता है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही डालता है उसके प्रजनन तंत्र को खराब करने में। और जब प्रजनन तंत्र एक बार खराब होगा तो किसानों को अनकैलकुलेटेड लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो बच्चा साल भर में आना चाहिए था वो 18-19 महीने में आ रही है। और जब 18-19 महीने में आएगी तो 5-4-6 महीना उनको अपने घर से खिलाना पड़ता है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि उस समय दूध ऐसा नहीं है कि यदि 18 महीना हम लोग का टाइमलाइन है तो 18 महीना एक जैसा दूध करेगी। डे बाय डे उसका ग्राफ एक बार पिक पे जाने के बाद डे बाय डे उसका ग्राफ डाउन होता जाएगा। और जब डाउन होगी तो उसके खुद के खर्चे निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो इसी कारण से अनकैलकुलेटेड लॉस, जो कि इस चीज़ को आम डेयरी फार्मर कैलकुलेट नहीं करते हैं और इस कारण से उनको लॉस होता है। बट जो मॉडर्न डेयरी फार्मर्स हैं वो इन सारी चीज़ों को समझते हैं और उसको प्रोक्योर करना, उसको सेव करना कैसे है, इन्हीं पे उनका फोकस रहता है। और इसी में डेयरी न्यूट्रिशन आपका सपोर्ट करता है और उसी सपोर्ट के क्रम में हमारा भी प्रयास रहता है और हम लोग भी ये सर्विसेज अपने चैनल के माध्यम से और आपके डेयरी फार्मर पे फार्म पे जा करके आपके लिए स्पेशलाइज्ड फीड हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को ये फीड डिज़ाइन करवाना है आपके पार्टिकुलर कैटल के लिए तो हम लोग वो भी करते हैं। बट ये चार्जेबल है, ये चार्जेबल इसलिए रखा गया है क्योंकि हम पिछले 2 साल से ये ऑब्जर्व करते आ रहे हैं कि यदि फ्री ऑफ कॉस्ट किसी सर्विस को हम लोग देते हैं, जो कि आपके लिए कितना भी बेनिफिशियल क्यों ना हो, आप लोग उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से हम लोग इसको एक मिनिमम चार्ज के साथ में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसा हम अभी पीछे बताए कि बॉडी वेट डाउन होता है और लगभग अराउंड 100-150 kg का बॉडी वेट लॉस हो जाता है और इस कारण से उसके गर्भधारण में देरी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप लंबे समय तक अंतर्व्यान का अंतराल बढ़ जाता है। और इस अवधि के दौरान ऐसे जानवर कम दूध का उत्पादन करते हैं, इस प्रकार दूध उत्पादन में कमी देखी जाती है।
दूध उत्पादन या बच्चा देने के बाद के इस चरण में किसान आमतौर पर इस कमी को पूरा करने के लिए अपने फार्म पे तेल या घी के साथ इस कमी को पूरा करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अब ये गलत कैसे है इसे मैं बता रहा हूँ, और साथ ही साथ ये ऐसा आपको लगता होगा कि ये किफ़ायती भी नहीं होता है, और साथ ही साथ ये आपके जो भी पशु खा रहे हैं उनके पूरे के पूरे प्रजनन तंत्र को भी इम्पैक्ट करता है। साथ ये इसलिए इम्पैक्ट करता है क्योंकि जब आप तेल या घी देते हैं तो उसका 100% यूटिलाइजेशन नहीं होता है, और साथ ही साथ ये जो भी आप फाइबर पार्ट देते हैं उसको पचने में भी मुश्किल आती है। साथ ही साथ केवल फाइबर को ही डिस्टर्ब नहीं करता है, साथ ही साथ कुछ जो भी आपने फीड वगैरह दे रखा है उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उस मॉलिक्यूल्स को भी वो बाइंड कर लेते हैं अपने साथ में, और वो लेयर बना करके वो बाद में बाहर आ जाते हैं पेशाब के माध्यम से। इस कारण से मैं बोलता हूँ कि ये जो तेल और घी पिलाने की आदतें हम लोग अपने बिहार अमूमन बिहार झारखंड और यूपी वाले लोग हम लोग तेल और घी पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, बाईपास फैट हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। बाईपास फैट हम लोग किस समय दे सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इसको किस समय अंतराल पे दे सकते हैं। तो ये जब बच्चा जनने वाली होती है उसके आप ट्राई करें कि मिनिमम 10 दिन पहले से तो स्टार्ट करना ही करना है, और यदि पॉसिबल है तो आप 1 महीने पहले से उसको अपने फीड में डालें। यदि आप कहीं से भी फीड डिज़ाइन करवा रहे हैं तो उसमें आप एडिशनल इसको ऐड करवाएं। यदि आप ट्रांजिशन कर रहे हैं तो ट्रांजिशन फीड में आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ट्रांजिशन फीड में ऑलरेडी डला होता है। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है ट्रांजिशन फीड का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बाईपास फैट में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। और साथ ही साथ पहले तो देंगे ही, साथ में बच्चा देने के अराउंड आपको मिनिमम 90 डेज तक देना है, क्योंकि इस 90 डेज में ही आपका पीक मिल्क लैक्टेशन टाइम होता है, और इसी समय उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर जैसे जैसे उसका मिल्क का ग्राफ डाउन होता है तो उसकी उसको उतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उस दौरान वो गर्भधारण भी कर चुका होता है। फैट सप्लीमेंट को खिलाने से ऊर्जा की कमी को कम करने में मदद तो मिलती ही है, साथ ही साथ यह बदले में जिस कॉस्ट का हम लोग बाईपास फीड, लोगों का ये कहना होता है कि बाईपास फीड बहुत महंगा होगा तो फिर ये हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट, नहीं, आपका ये एक्स्ट्रा कॉस्ट में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आप जितने का बाईपास फैट खिलाएंगे उतने रुपए का वो आपको दूध एक्स्ट्रा करके देती है, साथ ही साथ ये दूध में फैट भी बढ़ाने का काम करती है। तो आपको दोनों तरीके से कुछ ना कुछ पैसे आएंगे जितने की आपका बाईपास फैट का कीमत है। और इसका एडिशनल बेनिफिट क्या होगा, उसका प्रजनन में उसके प्रजनन तंत्र में सुधार करने में मदद मिलेगा। बात ये उठती है बाईपास फैट तो हम लोग खिलाएं, लेकिन इसको खिलाने की मात्रा क्या होनी चाहिए, सही गाइडलाइन के साथ यदि सही न्यूट्रिशन के साथ खिलाना है तो इसका सही मात्रा क्या होना चाहिए। इसे डेयरी पशुओं के राशन में 15 से 20 ग्राम प्रति किलो दूध उत्पादन या 100 से 200 ग्राम प्रति पशु प्रतिदिन की दर से इसको अपने फीड में ऐड करना है। बाईपास फैट खिलाने के फायदे क्या क्या हैं? एक, बाईपास फैट खिलाने से फाइबर पाचन में बाधा नहीं आती है, क्योंकि ये शोधित होता है, केमिकली शोधित होता है। और घी तेल खिलाने से हमेशा घी तेल के बनिस्पत इसका कॉस्ट भी कम होता है, और उसके बनिस्पत इसमें फ़ायदा भी आपको ज़्यादा दिखेगा। साथ ही साथ दूध उत्पादन की क्षमता को बढ़ाता है, दूध उत्पादन तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ ज़्यादा एनर्जी होने के कारण दूध उत्पादन की क्षमता को बढ़ाता है, आपका पीक लैक्टेशन आएगा, और साथ ही साथ वो कितने लंबे टाइम तक सस्टेन कर रहा है वो भी बढ़ाता है, बयाने के बाद प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये इसलिए बढ़ाता है क्योंकि उसमें पर्याप्त ऊर्जा होता है, और जो बॉडी वेट लॉस होता है उसको ये इम्प्रूव करने में मदद मिल जाता है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी हम लोग उसको अवेलेबल करवा रहे हैं उसके फीड के माध्यम से
एडिशनल बाईपास फीड सप्लीमेंट करवा करके इस कारण से। और साथ ही साथ अमूमन देखा गया है कि उस समय पशुएं कीटोसिस में चली जाती हैं, ज़्यादा फीड देने के कारण इस एक बीमारी होती है एसिडोसिस और दूध बुखार, इससे भी बचाव किया जा सकता है यदि आप अपने डेली राशन में बाईपास फीड सप्लीमेंट करवा रहे हैं तो। साथ ही साथ पशुओं की उत्पादकता और उत्पादन क्षमता, उत्पादकता तो बढ़ाती ही बढ़ाती है तथा उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाता है। बाकी आप सब हमें कमेंट करके ये बताएं हमारा ये छोटा सा प्रयास आप सबों को कैसा लगा, और साथ ही साथ मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नमस्कार।